आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन वन है Cl3C(OH), देन Cl2CH(CWH), देन Cl(CH2C(OH), देन ऑप्शन टू है यहाँ पे CH3CH2CH(Cl(CWH), देन CH3CH(Cl(CH2C(OH), देन Cl CH2CH2CH2CWH, एंड ऑप्शन थ्री है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। ऑप्शन फोर है एसिटिक एसिड, देन प्रोपानोइक एसिड एंड देन CH3CH2CH2CWH। तो यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं, बट फर्स्ट हम देख लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ये मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कि यहाँ से क्या होता है, एक H+ एलिमिनेट होता है, राइट। तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, एक कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है, यहाँ पे ऐसे कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है और ये H+ निकल जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसका एसिडिक जो प्रॉपर्टी है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी है इसीलिए, सो है मतलब ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है इसलिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ऑक्सीजन है, ये डेल्टा माइनस कैरेक्टर है, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर जितना ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, ये जो बॉन्ड है वो उतना ही वीक होगा, राइट। ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और भी बढ़ेगा, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो इसीलिए ये बॉन्ड जो है वो उतना ही वीक होगा जितना ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज कैसे इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पे साइड चेन में, ओके, ये जो साइड चेन है, सॉरी, यहाँ से जो साइड चेन है, ये वाला यहाँ पे जो साइड चेन होगा, इस साइड चेन में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतना ही इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना बहुत जरूरी है, ओके, आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड OH जो है, यहाँ पे साइड चेन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे पुश करेगा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर जो डेल्टा माइनस जो चार्ज था वो डिक्रीज होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और भी पुश हो गया तो, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो लो हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, Cl3C, यानी कि साइड चेन पे ऐसे तीन Cl है, CCl3 है, ओके, तीन ऐसे CCl3 है और यहाँ पे है CO2H, तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन तीन विदड्रॉइंग ग्रुप होने के लिए इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरफ जाएगा। अगर हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पे दो Cl है और यहाँ पे एक ही Cl है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली बेटर होगा जो Cl2CH(CWH) है, राइट, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर है ये ऑर्डर सही है, इट इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तीन क्लोरीन है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे ज्यादा है, क्लोरीन यहाँ पे ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन टू देखेंगे, ऑप्शन टू पे भी अगर हम देखेंगे जो अल्फा कार्बन है, एसिड के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में एक सीएल ग्रुप है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे इट इज अल्फा, इट इज बीटा, तो यहाँ पे बीटा कार्बन पे सीएल ग्रुप है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इट इज अल्फा, इट इज बीटा, इट इज गामा, तो यहाँ पे गामा कार्बन पे सीएल ग्रुप है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो रहा है, अगर यहाँ से मतलब ऑप्शन बी अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो क्लोरीन है वो जितना हम यहाँ से मतलब शुरुआत से जितना जाएंगे इस साइड पे जहाँ पे जाएंगे, तो क्लोरीन के साथ जो CO2H इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो अपना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है, वो डिक्रीज होगा,
तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट डिक्रीज होगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो ऑप्शन टू है इट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन थ्री अगर हम देखेंगे क्या है, फॉर्मिक एसिड बेटर देन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड का यहाँ पे बताया जा रहा है, फॉर्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज्यादा है एंड एसिटिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा है। ओके, बेंजोइक एसिड से ज्यादा है यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है, फॉर्मिक एसिड में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला मतलब ऐसा एटम भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है। अगर हम एसिटिक एसिड में देखेंगे यहाँ पे CH3 है और क्या है यहाँ पे मतलब साइड चेन जो है, साइड चेन में बस एक CH3 है। तो ये CH3 क्या कर सकता है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ओके रिलीज करेगा इसकी तरफ, तो यहाँ पे जो डेल्टा माइनस कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा इसीलिए। लेकिन यहाँ पे डेल्टा माइनस कैरेक्टर कोई भी डिक्रीज नहीं होगा। और अगर हम बेंजोइक एसिड देखेंगे तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, बेंजोइक एसिड का जो सी डबल बॉन्ड OOH राइट, यहाँ पे क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग होता है, ये बेंजीन रिंग एक मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है राइट। बेंजीन रिंग क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे बहुत सारे, मतलब तीन पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तीन डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये क्या करता है, ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन जो है मतलब अपने तरफ पुश करता मतलब खींचता है, ये क्या करेगा, जो CC ये जो बॉन्ड है, ये CC बॉन्ड क्या करेगा, एज यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि डिलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो थोड़ा बहुत क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपने तरफ खींचेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा माइनस जो कैरेक्टर है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा होगा राइट। डेल्टा माइनस कैरेक्टर एसिटिक एसिड से ज्यादा होगा, सो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम फॉर्मिक एसिड के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CC बॉन्ड है राइट, यहाँ पे CC बॉन्ड है, लेकिन फॉर्मिक एसिड में क्या है, फॉर्मिक एसिड में CH बॉन्ड है। तो CH बॉन्ड होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो डेल्टा माइनस कैरेक्टर है वो हाइएस्ट होगा राइट। यहाँ पे डेल्टा माइनस कैरेक्टर जो है हाइएस्ट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे बेंजोइक एसिड में यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो दो कार्बन के बीच मतलब ये बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा माइनस मतलब यहाँ से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा ना, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन होने के लिए क्या होगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन दिस साइड पे भी आएगा राइट, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन दिस साइड पे भी आएगा। तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये हाईएस्ट होगा राइट, ये हाईएस्ट होगा। फिर आएगा बेंजोइक एसिड एंड फिर आएगा एसिटिक एसिड राइट, फिर आएगा बेंजोइक एसिड एंड फिर आएगा एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा होगा, देन होगा बेंजोइक एसिड एंड देन होगा एसिटिक एसिड। और एक रीजन क्या है बेंजोइक एसिड का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज्यादा होने के लिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग में भी पाई इलेक्ट्रॉन का रिलोकलाइजेशन होता है, इसीलिए जो कॉन्जुगेट बेस है वो थोड़ा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो ऑर्डर है, दिस ऑर्डर इज रॉन्ग राइट, यहाँ पे जो ऑर्डर है ये ऑर्डर रॉन्ग है, तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और अगर हम ऑप्शन 4 देखेंगे, ऑप्शन 4 पे बताया गया था एसिटिक एसिड ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड है देन प्रोपानोइक एसिड एंड देन यहाँ पे आ रहा है CH3 होल ट्वाइस यानी कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पे ये जो है इट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो डेफिनेटली क्या होगा, एसिडिक एसिड से अगर हम जितना इधर जाएंगे तो प्लासाई इफेक्ट जो है ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो प्लासाई इफेक्ट यहाँ पे हम इंक्रीज हो रहा है। अगर प्लासाई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो हमने ऑलरेडी देख लिया प्लासाई इफेक्ट जितना इंक्रीज होगा तो उतना ही मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जितना इंक्रीज होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट राइट, इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन 3 इज द राइट वन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।